हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी नीडेड, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दो आलू, अगर आप दो लोगों के लिहाज से बना रहे हैं तो दो आलू आपको चाहिए होंगे। अगर तीन लोगों के लिहाज से बना रहे हैं तो तीन आलू। पहले आप आलू को बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या मसाले चाहिए होंगे, रेड चिली। मैं आपको वीडियो के एंड पे सारी रेसिपीज़ बता दूंगी। इट्स वेरी क्विक रेसिपी ऑफ आलू के पराठे, बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। वीकेंड पे आप बनाएं या ऑफिस जाने से पहले आप ये जल्दी से, ये एक रेसिपी है जो जल्दी से बन जाती है। तो आपको चाहिए होगा ये रेड चिली, नमक, हल्दी, काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया। आप धनिया पाउडर भी ले सकते हैं, ऐसे साबुत धनिया भी ले सकते हैं, और गरम मसाला और ग्रीन चिलीज़। ये आप दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, अपने हिसाब से। सो गाइस, मैं अब आपको बताती हूँ उसके बाद हमने क्या करना है। ये है मसाले जो हमने जो आलू का मसाला होगा उसमें डालने हैं पीस के। पहले हम सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। गाइस, मैंने आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया है, आप इसको मीडियम फ्लेम पे रखें। दो आलू लिए हैं मैंने क्योंकि मैंने दो लोगों के लिहाज से बनाना है। तो हम पहले आलू को बॉईल कर लेंगे, जब बॉईल हो जाएंगे उसके बाद हमने कैसे मसाला बनाना है आलू का वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। गाइस, ये मैंने 2 कप आटा लिया है। आटा हम आलू के पराठे के लिए जो गूंदेंगे वो आप बेशक 2 कप ले लें, क्योंकि दो लोगों के लिहाज से मैंने बनाना है। तो आप जितने लोगों के लिए भी बनाएंगे उस लिहाज से आपने कप कर लेने हैं। मैंने 2 कप लिए हैं और अब मैं आटा गूंदूंगी। उसके बाद बाकी कैसे मसाला बनेगा, आलू के पराठे बनेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ओके गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि आलू के जो पराठे के लिए जो मसाला बनाना है उसके लिए पहले हमें पैन को गर्म करना होगा मीडियम फ्लेम पे। फिर उसके बाद हमें 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून हमें ऑयल लेना होगा। ऑयल को थोड़ा हम गर्म होने देंगे। ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक मैं इसमें टोमेटो का जो पेस्ट है वो डालूंगी। टोमेटो का पेस्ट आप जो है वो जो मैश हुआ हुआ था वो भी ले सकते हैं, और जो हार्ड फॉर्म में होता है वो भी ले सकते हैं उसके पीसेस करके। टोमेटो का पेस्ट का ये होगा कि आपका मसाला जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टोमेटो का पेस्ट डालने के बाद हम क्या डालेंगे। गाइस, मैंने ऑयल डालने के बाद दूसरा जो स्टेप था वो है कि हम मैंने टोमेटो का पेस्ट जो है वो 2 टेबलस्पून डाला है। अब उसके बाद जो है मैं इसमें पोटैटोज़, आलू जो है वो ऐड करूँगी। गाइस, मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं मसाले जो हैं वो डालूँगी और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगी कि कैसे इसको बनाना है। गाइस, अब हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च। अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस लिहाज से डालेंगे। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा का पसंद करते हैं तो आप 2 टीस्पून कर लें। और टमाटर डालने का ये है कि आपकी जो मसाला है, जो आलू का मसाला है, वो बहुत अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, और जब आप पराठों में फिल करेंगे तो उसका एक अलग से जो है मज़ा होगा। अब गाइस, हम उसके बाद डालेंगे नमक। गाइस, अब हम डालेंगे नमक। नमक आप डालेंगे 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून भी आप डालें, मर्जी आपकी, जैसे भी आप खाते खाना पसंद करते हैं या खाते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। फिर हम हल्दी डालेंगे, जस्ट उस पर होगा कलर आ जाएगा अच्छा सा। 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून आप हल्दी डालेंगे। गरम मसाला भी आप 1 और 1.5 टीस्पून डालेंगे। फिर आप काली मिर्च डालेंगे 1 और 1.5 टीस्पून। फिर आप ज़ीरा डालेंगे
और 1.5 टीस्पून धनिया आप डालेंगे। इससे जो आपकी स्मेल होती है खाने की वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो 1 और 1.5 टीस्पून जो है आप धनिया ले लेंगे। धनिया पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी आप मेथी डालेंगे, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है खाने में। अब आप इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर जो है वो कैसा आएगा और कैसे आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका जो शक्ल है वो कैसी आती है। ओके गाइस, सब कुछ डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आपने मेक श्योर करना है कि इसका अच्छे से सॉफ्ट मिक्सचर बन जाए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से मैश हो जाए, पोटैटोज अच्छे से मैश हो जाए। बिकॉज जब आप फिलिंग करेंगे पराठाज में तो जो आपका पराठा है उससे बाहर नहीं आएंगे आपके आलू, सबसे अच्छी बात यह है इसके मिक्सचर की। तो मैंने थोड़ा सा ग्रेवी बनाई है, बट ग्रेवी को यह है कि मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज आपकी मर्जी, आप जितना भी ऐड करना चाहते हैं, 2-3 ये आप पे। मैं जो हूँ वो 2 ऐड करूँगी इसमें। ऐड करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट हमने इसको कैसे बनाना है, इस मिक्सचर को ड्राई करना है। ओके गाइस, इस पर मैंने ग्रीन चिलीज डाल दी हैं और आपने जो इसकी आँच है वो थोड़ी कम कर लेनी है। अब मैं इसके अंदर धड़ा मिर्च डालूंगी, धड़ा मिर्च पीसी भी, उससे भी ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, खुशबू आती है और इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो थोड़ा सा हम धड़ा मिर्च डाल देंगे। आप जितना भी स्पाइस पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो उस लिहाज से आपने करना है। मैं थोड़ा मसाला ज़्यादा पसंद करती हूँ इस मिर्च, तो मैं उस लिहाज से मैंने डाली है। और मैं एंड पे आपको इसकी सारी रेसिपी दे दूंगी। बहुत क्विक रेसिपी है और आपको नए अंदाज में मैं आलू के पराठा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान है, बहुत आसान। अब ये मैं इसको हल्की आंच पे कर दूंगी, इसको बनने दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पराठे में इसकी फिलिंग कैसे करनी है। गाइस, मेरा आलू का जो मसाला है वो रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है, कितना मज़ेदार लग रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस मसाले को हमने पराठे में फिल कैसे करना है, भरना कैसे है और कैसे बाकी का जो हमने चीज़ें हैं वो तैयार कैसे करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस मसाले को हमने पराठे में भरना कैसे है और पराठा फ्राई करते वक्त हमने क्या चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका पराठा अकड़े ना, क्रिस्पी ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बने आपका। गाइस, अब मैं आपको आलू के पराठे का जो डो होता है उसमें आलू का मसाला भरना बताऊंगी। आपको वो पेड़ा ऐसे लेना होगा और उसको डीप सा उसका होल बनाना होगा जिसमें हम आलू का मसाला भरेंगे। यहां से हम आलू का मसाला लेंगे। अगर आप ज्यादा भरना चाहते हैं तो आप ज्यादा ले सकते हैं, पर आपने इतना ज्यादा भी नहीं भरना कि उसका मसाला बाहर आ जाए। गाइस, अब हम आलू के पराठे को ऐसे बेलेंगे। आपने ज़्यादा इसको नहीं बेलना क्योंकि ज़्यादा बेलेंगे तो जो आलू का मसाला है वो बाहर निकल जाएगा, हल्का अलग हो जाएगा। ऐसे ही आपने इसको बेलना है क्योंकि, और आपने जो पैन है उसको गर्म करना है क्योंकि, गर्म इसलिए करना है, अगर गर्म नहीं करेंगे, ठंडा रहेगा तो जो आपका पराठा है वो क्रिस्पी बनेगा। गाइज, आप देख सकते हैं मैंने आलू का जो मज़ेदार मसाला बनाया था वो मैंने पराठे में भर लिया है और अब मैं इसको बटर में बनाऊंगी। गाइज, ये देखिए मैंने पराठे को बटर के ऑयल में डाल लिया है। अब इसको हल्का हल्का मूव करेंगे ताकि अच्छे से बटर इसके आगे पीछे लग जाए। गाइस, अब हम
आराम से आलू के पराठे को पलटेंगे ताकि जो मसाला है इसका अंदर का वो बाहर ना आ जाए। ये देखें गाइस कितना प्यारा कलर आया इसका। गाइस ये देखें कितना प्यारा कलर आया इस पराठे का और ये बिल्कुल रेडी हो गया है डार्क ब्राउन और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होगा आलू से भरा हुआ पराठा। गाइस हमारा प्लेन आलू का पराठा देखिए रेडी हो गया है, कितना मज़ेदार लग रहा है। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं और अचार के साथ भी खा सकते हैं, जिस चीज़ के साथ आपको खाना पसंद है आप उसके साथ खा सकते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।